क्या कारण और लक्षण होते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के, क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं इस समस्या को इग्नोर करने से, और कैसे अन्य चिकित्सा पद्धति के मुकाबले डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति गैस और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों में कम समय में बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, बिना किसी परहेज और कम खर्च में सफल एवं स्थायी इलाज के रूप में साबित हुई है। मैं कमल किशोर पाटिल, मुझे अम्बिकल हर्निया की तकलीफ है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब का सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथिक इलाज से मुझे काफी आराम है, और मैं हर्निया से संबंधित व्यक्तियों को सजेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर श्री अर्पित चोपड़ा जैन का इलाज करवा के सफल जीवन को सुखमय व्यतीत करें। मैं मोनिश झा, मेरी उम्र 21 वर्ष है, मैं झांसी से रहने वाला हूँ। मैं लगभग 8 साल से इंदौर में रह रहा हूँ और मैं बीकॉम में स्टडी करता हूँ। मुझे काफ़ी लंबे समय से, लगभग 3 वर्षों से पेट की प्रॉब्लम थी, मुझे पेन रहता था और वोमिटिंग होती थी, मैं ठीक से खाना वगैरह नहीं खा पाता था। फिर काफ़ी जगह मेरा इलाज चला, मैं लखनऊ में भी रहा काफ़ी टाइम तक, मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तीनों में ट्राई किया, बट मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। मैंने लखनऊ में डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी जी हैं, उनके पास मैंने ट्रीटमेंट लिया काफ़ी लंबे टाइम तक, और काफ़ी सारी जांचें करवाई मैंने, पर मुझे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला। मुझे जांच में पता चला कि मुझे किडनी में स्टोन है और इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, मेरी आँट में रुकावट थी जिसकी वजह से मैं जो भी खाता था मुझे प्रॉब्लम होने लगती थी, मेरा पेट में दर्द होने लगता था और मेरा वेट लॉस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट कम हो गया था। फिर मुझे कहीं से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर के बारे में पता चला, फिर मैंने उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, तब मैं उनके पास आया। लगभग मैंने उनसे अगस्त 2020 में कांटेक्ट किया था, मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, फिर उन्होंने मुझे मॉडर्न होम्योपैथी में उन्होंने मुझे काफ़ी कम दवाइयाँ दी उन्होंने मुझे, जबकि मैंने एलोपैथिक में काफ़ी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा था पर मुझे रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। पर उन्होंने जो मेडिसिन दी मुझे मॉडर्न होम्योपैथी में, उनसे लगभग 3 से 4 दिन में ही मुझे काफ़ी रिलीफ मिलना चालू हुआ, और लगभग 20 से 25 दिन में मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया था उनकी दवाइयों से। फिर उसके बाद जो मेरी किडनी में स्टोन था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और मेरी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो आँत में रुकावट थी वो भी धीरे धीरे करके सही हो गई है, और आज मैं काफ़ी तरह से बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं अर्पित चोपड़ा जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी वजह से मेरी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सही हो गई है। इससे पहले मैं जो मेडिसिन ले रहा था एलोपैथिक में, उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे थे मेरे साथ में, जिससे मेरे फेस पे पिंपल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी मॉडर्न होम्योपैथी से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, परहेज वगैरह उन्होंने कुछ नहीं बताया। और इससे पहले मैं आयुर्वेदिक में जो ट्रीटमेंट ले रहा था मुझे उसमें काफ़ी परहेज करना पड़ा, लगभग 2 महीने तक बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा परहेज किया मैंने, फिर भी कोई आराम नहीं मिला मुझे उससे। मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ अब एकदम स्वस्थ हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा सर को। और अगर आप किसी को भी कोई भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सर से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, वो आपको मतलब सस्ती और अच्छी दवाइयाँ देंगे जो कि बाहर काफ़ी महंगी पड़ती है और उनसे कोई फ़ायदा नहीं, उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा लेवें, जिस तरीके से 3,000 से ज़्यादा पेशेंट मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के फायदे से आज हमसे रिकवर होकर जिस तरीके से स्वस्थ मुस्कान लेकर आज समाज में जी पा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके की स्वस्थता की मिसाल हम आपके लिए भी साबित कर सकें और कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको लगता है कि सभी 3,000 पेशेंट के किसी भी एक पेशेंट के डेटा से, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के पेशेंट हो, चाहे वो किसी सर्जिकल बीमारियों से ग्रसित ऐसी बीमारी जिसमें कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया है, या फिर सर्जरी होने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि ये वापस नहीं हो सकता, ऐसी बीमारियों से ग्रसित पेशेंट, चाहे वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड, या फिर एक तरीके से एप्लास्टिक एनीमिया, पेनसाइटोपेनिया, आईटीपी जैसी हेमेटोलॉजिकल बीमारियां, या फिर हो सकता है कि अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा तक की स्थिति में जो पहुंच चुके हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि दूसरा जीवन मिलना लगभग असंभव माना जाता है, ऐसे कई सारे पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा देकर उन्हें रिकवर किया गया है। निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर उन सभी पेशेंट्स के आप नाम और नंबर के साथ, उनके द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके द्वारा बनाए गए जो डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर आप उन सभी पेशेंट्स के बारे में व्याख्या ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा
मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।